डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डी सॉल्यूशन। डी सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है और किसका टॉपिक है। तो आप सभी ने पुराने लेक्चर्स में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप किस हिसाब से चलता है। तो पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि पार्टनरशिप कहाँ से स्टार्ट होता है। दो और दो से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों लोग के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। चलिए, तो आज हम इस पार्टनरशिप को चलाते चलाते यहाँ तक लाएँगे, पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर हो गया हमको, पार्टनरशिप का फंडामेंटल क्लियर हो गया है ना, पार्टनरशिप में एडमिशन भी हो गया, गुडविल भी कैलकुलेशन हो गया। तो लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है डी सॉल्यूशन। डी सॉल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप फर्म का बंद होना, कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, बंद होती है। तो बंद होती है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, बंद होती है तो हम उस एसेट्स का क्या करते हैं जो हमने फर्म ने खरीदी थी, बंद होती है तो लायबिलिटी का क्या करते हैं। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो हैं उनके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डी सॉल्यूशन का मतलब, जैसे मैंने बताया यहाँ पर मीनिंग, व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एग्री, सभी पार्टनर मिलकर के एग्री हो गए, नॉट वी कंटिन्यू ऑफ फर्म बिजनेस, जब सभी पार्टनर्स मिलकर ये एग्री कर लेते हैं कि हमें अब बिजनेस को और आगे नहीं चलाना है, अपनी फर्म को क्या करना है, बंद करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, दो टर्म्स है, एक तो फर्म का बंद होना होता है और एक पार्टनरशिप का ब्रेक होना, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फिर सुनना किस चीज़ के लिए कह रहा हूँ मैं, एक तो फर्म का ब्रेक होना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और पार्टनरशिप का टूटना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप टूटेगी तो हो सकता है पार्टनर्स फिर भी अपना बिजनेस कंटिन्यू रखें, और पार्टनरशिप फर्म ही टूट गई तो फिर बिजनेस की तो बात ही नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया कि पार्टनरशिप बंद करने के बारे में आज हमें पढ़ना है और डिस्कशन। तो पार्टनरशिप बंद होगी तो उसको कहते हैं फर्म का डी सॉल्यूशन, क्लियर, विघटन होना, विघटित हो जाना है ना। चलिए समझते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप, फर्म के टूटना, फर्म का विघटन क्या है और पार्टनरशिप का विघटन क्या है। जैसे आपने लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है था कि हमें अपनी पार्टनरशिप को फिर से बनाना है, जो बनी हुई है उसमें कुछ या तो चेंज हो गया, कुछ बदलाव आ गया, कुछ भी हो गया, उसको वजह से हमने नए तरीके से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, नए कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट किया, तो इसको कहते थे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखते हैं सबसे पहले कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता है। सबसे पहले तो अगर फर्म हमारी डिसॉल्व हो गई है, बंद हो गई है, फर्म बंद हो गई तो पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशंस नहीं है, और अगर पार्टनरशिप टूटी है तो पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस बना रहता है, क्लियर। इसमें क्या होता है, बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है, किसमें, जब हमारा पूरा फर्म बंद होता है तो पूरा बिजनेस ही क्या हो जाता है, क्लोज डाउन हो जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप टूटी है तो हो सकता है तीन पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, पार्टनरशिप टूट गई, पर दो पार्टनर बचे हैं और वो बिजनेस अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो फर्म के टूटने पर पूरा बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जबकि पार्टनरशिप के टूटने पर पूरा बिजनेस बंद हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्लियर है। अच्छा, जब हम इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे तो जब हम फर्म का अकाउंटिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे बनता है इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है और यहाँ पर कौन सा बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने कई सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स मेरे साथ बनाए हैं, क्लियर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक और आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डिफरेंट बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, ठीक है, आप लोग को चाहिए होगा तो उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, क्लियर, डिफरेंट बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ बनता है, जब पार्टनरशिप टूटती है, जब कोई चेंज होता है या एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, जब फर्म बंद हो जाती है, मतलब कहने का मतलब है कि जब पूरे फर्म के जीवन काल में जब बंद होता है तभी एक बार बनता है, क्लियर, जबकि ये तो कई बार बन सकता है, जैसे चेंज होने पर जितनी बार चेंज होगा उतनी बार बन सकता है, पार्टनर आएगा तो बन सकता है ना, ईयर एंड पर बना सकते हैं, स्वेच्छा से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है, क्योंकि अब फर्म ही बंद करना है, तो फर्म बंद करना है तो सारी एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इसमें सारी एसेट्स को बेच के सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सारी एसेट्स नहीं बेची जाती है और ना ही लायबिलिटी का पूरा पेमेंट हो पाता है, क्योंकि अभी पार्टनरशिप रनिंग में है, अभी तो बिजनेस चलेगा, आगे चलेगा, फिर चलेगा, फिर मिलेगा, फिर दौड़ेगा, फिर हम फिर से लेन देन करेंगे, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, क्लियर। ये क्यों बंद होती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म टूटी क्यों जाती है, या तो कोई एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, हमने एग्रीमेंट किया था कि हम 2 साल तक 5 साल तक इस ऑब्जेक्ट तक काम करेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, तो ये वो एग्रीमेंट, या कोई कंपलसरी नोटिस आ गया, कोर्ट ने कोई बिजनेस को क्या कर दिया, इनलीगल घोषित कर दिया, तो चीज़ है।
अच्छा ये क्यों होता है भाई साहब? जैसे रिलेशनशिप चेंज हो गए, पार्टनरशिप चेंज हो गया है ना, कोई नया एडमिशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप टूट जाती है, पुरानी छूट जाती है, नई बन जाती है। क्लियर है? तो एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, इस वजह से क्या होते हैं, कई कारण होते हैं जिससे पार्टनरशिप टूट जाती है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या समझ लिया कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, इन दोनों में अंतर समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता रहता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओके चलिए, अब हम इसी वीडियो के दूसरे पहलू को देखते हैं, जिसका मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या जो दूसरा टॉपिक हमारा आज का वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, सॉरी रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन तो हम पढ़ चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रिलाइजेशन अकाउंट का मतलब एक ऐसा अकाउंट जो फर्म के जीवन काल में एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार। अब ये बनता है तो हमें सारी एसेट्स को क्या करना होता है, बेचना होता है, और नई लाइबिलिटी जो भी हमारी फर्म की लाइबिलिटी है उसको हमें पेमेंट करना होता है। क्लियर है? तो हमें जब बेचना है तो सबसे पहले हमारे पास कुछ ओल्ड एसेट्स होती है, कुछ हमारी पुरानी लाइबिलिटी होती है, कुछ हमारी पुरानी एसेट्स होती है, तो उसी का कॉम्बिनेशन बनाते हुए जब पेमेंट करते हैं तो किसी को कम करते हैं, किसी को ज़्यादा करते हैं, कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर भी कर लेता है, कोई लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है। तो इस तरह से जो पूरे ट्रांजेक्शन्स आपस में होते हैं, पूरे ट्रांजेक्शन्स या जितनी भी अकाउंटिंग बनने वाली है, उस सब हम इस रिलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो जितनी भी एसेट्स होगी हमारी बैलेंस शीट में, जितनी हमारे फर्म के पास एसेट्स होगी, है ना, इन हाउस, उसको हम लिख लेंगे, लेकिन कैश को छोड़ के। किसको छोड़ के? कैश और बैंक को छोड़ के। किसको छोड़ के लिखना हमने बच्चों? कैश और बैंक को नहीं लिखना है। किसको नहीं लिखना है आपको? कैश को नहीं लिखना है और बैंक को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि कैश और बैंक का तो हम एक अलग से खाता बनाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो टू कैश, अब जो हम पेमेंट करेंगे, जैसे लाइबिलिटी है कम ज़्यादा करते हैं, वो हम पेमेंट जितना करेंगे वो, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है तो, और अगर कोई आंसर निकलता है प्रॉफिट में तो। चलिए देखते हैं फिर से, यहाँ पर सारी लाइबिलिटी लिखना अपने को, क्या लिखना है? सारी लाइबिलिटी, बुक वैल्यू। लेकिन इन हाउस लाइबिलिटी यानी कि इंटरनल लाइबिलिटी नहीं लिखते हैं, कौन सी लाइबिलिटी लिखते हैं? आउटसाइड लाइबिलिटी, जो हमें अपने फर्म के बाहर का पेमेंट करना है, वो सारी लाइबिलिटी यहाँ लिखना है, आउटसाइड लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि हमें किसी और चीज़ का कुछ पेमेंट करना है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग है कोई चीज़, वो चीज़, ठीक है। यानी कि इंटरनल में कैपिटल नहीं लिखना हमको, जनरल रिजर्व हमको नहीं लिखना है, क्योंकि कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं लिखना है। क्लियर? वो हम आपकी बुक में लिखे हैं, मैं और बता दूंगा आपको, जैसे बता दिए मैंने कि कैपिटल नहीं लिखना अपने को, है ना, जनरल रिजर्व नहीं लिखना अपने को। क्लियर? इस सब चीज़ों, ये है बाय कैश अकाउंट। अब जो हमारे पास एसेट्स होती है वो हम बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, जरूरी नहीं है जितने रुपए की थी वो उतने में ही बिके, उससे कम में भी बिक सकती है, उससे ज़्यादा में भी बिक सकती है। तो जितना भी बिकेगा ऑल एसेट्स से, वो सारा पैसा हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इतने में बिका, वो सारा का सारा हमने सम किया और यहाँ पे लिख दिया, उसको कहते हैं रिलाइज ऑन एसेट्स। क्लियर? क्या कहते हैं? रिलाइज ऑन एसेट्स। रिलाइज हो गया पैसा, तो हम क्या कर दो? पेमेंट कर दो, जैसे मैंने पहले कहा आपने। तो सीधी सी बात, अगर हम समझें तो स्टेप बाई स्टेप भी, कि पहले सारी एसेट्स लिख दो, सारी लाइबिलिटी लिख दो, फिर एसेट बेचने से पैसा रिलाइज कर लो, और फिर क्या कर दो? पेमेंट कर दो। और अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करने की इच्छा रखता है, जैसे हमारे पास फर्नीचर है हमारे फर्म के पास, और कोई पार्टनर उसको फर्नीचर की नीड है, तो क्या बोलेगा? चलो हम हिसाब किताब करने के साथ साथ ये फर्नीचर वाला पार्ट मैं खुद रख लेता हूँ। तो अगर इस तरह से कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसको यहाँ उसके नाम से शो करना है। लेकिन अगर कोई पार्टनर किसको टेक ओवर कर लेता है, किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है, तो उस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं उसके नाम से। क्लियर? इतना करने के बाद क्या बचता है? सिर्फ आंसर निकालना पड़ता है हमें, या तो हमारा आंसर प्रॉफिट होता है या हमारा आंसर लॉस होता है। तो अगर हमको पैसे रिलाइज हुए ज़्यादा और हमने दिए कम, तो हमारे निकलता है प्रॉफिट, जो कि हमारे पार्टनर्स ओल्ड रेशो में अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अगर हमारे पास पेमेंट्स ज़्यादा हो गए और हमारे पास इतना था ही नहीं और हमें बाद में देना पड़ा, तो यहाँ पर आंसर निकलेगा लॉस में। मोस्टली केस में लॉस निकलता है, क्योंकि रिलाइजेशन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो क्या होगा, लॉस होगा, तभी हम फर्म को बंद कर रहे होंगे ना। तो मोस्टली केस में क्या निकलता है, है ना, पर जरूरी नहीं है कि हर बार लॉस ही निकले, कभी का केस इन केस क्या निकल सकता है, प्रॉफिट भी निकल सकता है। तो बच्चों आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, रिलाइजेशन अकाउंट फिर से एक बार छोटा सा ब्रीफ में देख लो, है ना, क्या देख लें कि सबसे पहले तो हमें सारी एसेट्स लिखना है लेकिन कैश और बैंक को नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है वहाँ पर? सारी लाइबिलिटी लिखना है, लेकिन लाइबिलिटी में क्या नहीं लिखना है आपको? कैपिटल नहीं लिखना है, रिजर्व्स नहीं लिखना है। क्लियर है? इस चीज़ के बारे में आपको नहीं लिखना है।
क्लियर। कैश जो पैसा हमने क्या किया है, एसेट्स बेचने से कमाया है, मिला है, वो लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, पार्टनर से अगर कोई एसेट टेक ओवर किए तो वो लिखना है, अगर किसी पार्टनर को फिर लॉस हुआ है तो यहाँ, और आंसर प्रॉफिट में है तो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको रिलेशन अकाउंट के बारे में समझ में आ गया होगा, डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिफरेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमर्स सतीश को, ताकि आपको और अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। और जरूर कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें नया टॉपिक कौन सा पढ़ना है या आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, थैंक यू।